प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो बोलकर भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं, इनसे पता चलता है आने वाला है कि आपका बुरा वक्त। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका अगर घर में आगमन होता है और वो चीज़ें घर में अगर होने लग जाती है, छोटी छोटी बातें होती हैं वो, अगर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं तो हमारे लिए परेशानी का सबक बनती है। तो आप सभी से उम्मीद मित्रों ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मित्रों, जो वीडियो है मैं वो शुरू करता हूँ। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली चीज़ है वो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप एक पानी के गिलास को देख रहे हो। पानी का गिलास अगर हाथ से छूट जाता है या फिर पानी का गिलास अगर हाथ से छूटता है तो ये बुरा संकेत है, अशुभ संकेत है। वैसे नॉर्मल तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए एक बुरा संकेत होता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पानी का गिलास अचानक गिर जाए तो इस बात का संकेत माना जाता है कि आप किसी गंभीर बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी पानी का गिलास हाथ में हो तो आप थोड़ा इसे ध्यान रखें। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है। अगर आपके हाथ से छूटता है तो बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं। यदि किसी शादीशुदा महिला के हाथ से उसके सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो इसे महिला के पति के जीवन को खतरे के रूप में माना जाता है। आपको इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इस बात को स्वीकार किया गया है। यदि कोई शादीशुदा महिला होती है और उसके हाथ से सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो इससे क्या है कि महिला के पति के जीवन जो वो खतरे के रूप में माना जाता है। मतलब ये घर में एक अशुभ संकेत होता है। आपको इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। मतलब ज्योतिष की दुनिया में इसे बुरा बताया गया है, गलत बताया गया है कि जो सिंदूर की डिबिया होती है, जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो इसका उपयोग करती हैं। तो बड़े ध्यान से इसका उपयोग करके संभाल कर इसे रखनी चाहिए। हाथ से छूटने पर इससे क्या है, पति को जो कष्ट है वो होता है और दिक्कत परेशानी घर में बनती है। इसी तरह हम आगे चले तो तेल की शीशी होती है या फिर बोतल गिरने का अर्थ ये होता है कि आपकी या आपके परिवार के ऊपर कर्ज चढ़ने वाला है या फिर आपको जल्दी आर्थिक संबंधी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप बोतल को देख रहे हैं। अगर बोतल होती है या तेल की शीशी होती है वो गिरने का अर्थ ये होता है कि आपके परिवार पर कर्ज चढ़ता है या फिर आपको जल्दी आर्थिक संबंधी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है, जिससे क्या है भविष्य में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियाँ बनती हैं, जो कि एक अशुभ संकेत माना गया है ज्योतिष की दुनिया में। नेक्स्ट हम बात करें तो पूजा का थाल होता है या आरती के वक्त पूजा का थाल अगर हाथ से गिर जाए तो ये एक अशुभ समाचार माना जाता है। इससे क्या है कि हमारे रिश्तेदारों से जो मतलब गलत समाचार है, अशुभ समाचार है, वो हमें मिलना शुरू होते हैं और साथ ही साथ में घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। और इसके अलावा हमारे जो देवतागण हैं या देवता हैं वो हमसे रूठ गए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है। तो कहा गया है कि पूजा या आरती के वक्त थाल गिरता है तो ये एक अशुभ समाचार इसे ज्योतिष की दुनिया में कहा गया है। इसलिए पूजा करते वक्त आप इस चीज़ का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों, यदि आपका दूध उबल रहा है और अचानक दूध गिर जाए तो इस बात का संकेत है कि आपको मनोविकार का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस बात का भी संकेत मिलता है कि भविष्य में आपके रिश्ते किसी के साथ खराब हो सकते हैं। अगर दूध उबलता है तो भविष्य में मतलब इसके साथ किसी के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट हम बात करें इस तरह के, अगर आप किसी बर्तन में दूध रखा है और वह अचानक आप से गिर जाता है तो इस बात का संकेत देता है कि आपका दिमाग स्थिर नहीं है और आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रहा है। यह बात इस बात का संकेत है परिवार के किसी सदस्य की जो तबीयत है वो बिगड़ सकती है, तो इसे आप अनदेखा ना करें, अन्यथा यह आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। ठीक ऐसे ही आपके हाथों से काली मिर्च का गिरना भविष्य में किसी के साथ खराब होने का संकेत देता है। आपको इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिससे कहने का मतलब ये होगा कि जो काली मिर्च होती है उसका गिरना भविष्य में किसी के साथ संबंधों में गिरावट आती है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसके अलावा घर में
जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अधिक आती है, इसलिए काली मिर्च को भी आप संभाल कर रखें, इसे गिरने ना दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम है, अगर आप फटी पैंट पहनते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए नाराज़ होती हो सकती है। आपको कभी भी फटा हुआ वॉलेट यानी बटुआ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति की जो गरीबी होती है उसका सामना करना पड़ता है। अगर आपके जेब में पैसे गिर रहे हैं तो यह लक्ष्मी माता के नाराज़ होने का संकेत मिलता है, ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है, आर्थिक जो कष्ट है वो आपको मिल सकता है, इसलिए आप भविष्य में इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी है, गुप्त परेशानी है, ज्योतिष आचार्य श्री श्री स्वामी जी से आप सीधे फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हो, फ़ोन पर भी बातचीत कर सकते हो और आपके जीवन से जुड़ी जो भी परेशानी है वो आप उन्हें बता सकते हो, समस्या का जो समाधान है वो कर सकते हो। अगर स्वामी जी को आप FB पर फॉलो करना चाहते हैं तो FB पर फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मित्रों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।